कोविड संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए सरकार पुरजोर प्रयास कर रही है। शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार किसानों के उत्थान के लिए चल रही योजनाओं पर अधिक ध्यान नहीं दे पा रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल हिमाचल के किसानों को खाद की बेहद आवश्यकता होती है, खास तौर पर 12, 32, 16 खाद की बेहद आवश्यकता होती है, लेकिन यह खाद सोलन के किसानों को नहीं मिल रही है। यह खाद किसानों तक हिमफेड के माध्यम से पहुंचती है, लेकिन हिमफेड का स्टॉक शून्य है। जब हमने इस बारे में हिमफेड के प्रबंधक विजय शर्मा से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके पास सभी खाद मौजूद हैं, लेकिन 12-32 खाद नहीं है, जिस बारे में प्रदेश सरकार को अवगत करवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसान 12-32-16 के विकल्प के रूप में यूरिया को उपयोग में ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष विभाग द्वारा करीबन 12,000 बैग किसानों को दिए गए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द यह खाद भी केंद्र सरकार से आ जाएगी। सर, जैसे कि अगर किसानों की बात करें तो किसानों ने यहाँ पर शिकायत की है और शिकायत ये की है कि उन्हें जो खाद है वो नहीं मिल रही है, आपका क्या कहना होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, खाद मिल रही है। जो किसान मतलब कुछ 8-10 दिन से सप्लाई नहीं आ रही, 12-32 स्पेशली, बाकी सारी फर्टिलाइजर अवेलेबल है, कंजम्पशन है। लास्ट ईयर जो हमारे पास है अप्रोक्सीमेटली मतलब 11,000 के करीब 12-32 के लगे थे, और टोटल मिला के चलो कि 12,500 बैग हमारा 12-32 का लगा है। तो 31 मार्च को भी हमारे पास अवेलेबल था, 15-15 भी थी, तो उसके बाद सेल हुई है। अभी 12-32 पीछे से नहीं आ रही है, कंपनी से नहीं आ रही है, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत है। इसके बावजूद हमारे पास अभी भी दारला घाट और नालागढ़ में 12-32 पड़ी हुई है। सर, क्या वजह मानते हैं कि जो ये नहीं आ रही? अब इसके बारे में तो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर ज़्यादा बेटर बता सकता है कि भी क्या रीज़न है, क्योंकि इसमें कुछ सब्सिडी का भी होता है, सेंट्रल सब्सिडी होती है, तो अभी तक वो रिलीज हुई या नहीं हुई है वो भी इसमें वो कारण रह सकता है। तो जब तक वो नहीं होता तब उसके बाद ही। तो किसानों को कब तक ये मिलने की उम्मीद की जा सकती है? अभी 10-11 दिन लग सकते हैं, पर लोगों को ऐसा होता है कि भी अगर अब दिमाग में जैसे बैठ जाता है कि 12-32 डालनी है तो फिर 12-32 मांगे, ये बाकी ऐसा नहीं है। फर्टिलाइजर है हमारे पास, ज्यादातर कौन सी फसल के लिए यूज़ होने लगी जाती है? ये जैसे टमाटर वगैरह सब्जी में खासकर लोग यहाँ पे सब्जी में लगाते हैं इसको। तो आजकल इसकी काफी जरूरत रहती है? जरूरत रहती तो है। आजकल किसान पौधे लगा रहे हैं और यही समय है कि उन्हें खाद की बेहद आवश्यकता है। अगर यह खाद समय पर नहीं आएगी तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को सरकार द्वारा कोविड समय में राहत प्रदान की जानी चाहिए थी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जो खाद पिछली बार 1100 रुपए की थी वह अब करीबन 1800 रुपए की हो चुकी है। उसके बावजूद भी यह खाद सरकार उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। उन्होंने कहा कि हिमफेड द्वारा किसानों को खेतों में यूरिया डालने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन यूरिया खेत का उपजाऊपन खत्म कर देता है, इसलिए वह केवल 12-32-16 का ही उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन यह खाद न मिलने की वजह से उनकी फसलों को काफी नुकसान पहुंच चुका है। हाँ जी, इसकी बहुत समस्या आ रही है हम लोगों को कि 12-32-16 जो खाद अवेलेबल नहीं है सोलन में, लेकिन इस खाद में प्रोटीन्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, जिनके पास गोबर की समस्या है, गोबर की कमी है। तो वैसे तो खैर खादें अब कई प्रकार की निकली हैं, जैसे आपके के क्या बोलते हैं अपना इसमें आती है क्या बोलते हैं बाल्टियों में, लेकिन वो बात नहीं है जो 12-32-16 की है ना जी, लेकिन शॉर्टेज बहुत है, नहीं मिल पा रही है कहीं भी। हम लोगों को जहाँ किसी को 2 क्विंटल चाहिए उसको बेचारे को 20 किलो मिलती है, वो भी कभी कभार कहीं से मंगानी पड़ती है बाहर से, पर यहाँ सोलन में शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा। सर, अगर 12-32 खाद नहीं डालेंगे तो फसलों पर क्या असर पड़ेगा, क्या समस्या आएगी फसलों को? ऐसा नहीं, जहाँ गोबर के बिना, तो आपको समझते हैं आपकी गोबर के बिना कोई भी फसल जो है नहीं हो सकती ऐसी ढंग की। तो इसमें जो है प्रोटीन वगैरह बहुत ज़्यादा है 12-32-16 में। अब केंचुआ खाद वगैरह है जिनके, वो तो चलो उनको इतनी जरूरत नहीं पड़ती, पर जिनके गोबर की समस्या है, गोबर कम है, उनको तो ये बहुत ज़रूरी चाहिए। सर, जैसे हिमफेड में और अन्य और भी जो खाद के गोदाम हैं, जो खाद के सप्लायर्स हैं, वहाँ पर खाद जैसे नहीं मिल रही है, हाँ जी, तो ऐसे में आप लोग कैसे अपना फसलों को कैसे तैयार कर रहे हैं? ऐसा है ना जी, अब किसानों ने तो फसल बचानी है। अब जैसे भी हम किसी की दुकान में जाते हैं, वो बोलते खाद ये नहीं जी, ये ले जाओ, उन्होंने तो बेचनी है,
हर कोई खाद पकड़ा देते हैं, उसका कोई फ़ायदा हो नहीं रहा। मैं खुद किसान हूँ, मेरे इतनी फसल ख़राब हो चुकी है कि खाद के बिना मिल नहीं रही है कहीं भी। फिर उनके पास अजीब अजीब खाद होती है जी, 150 रुपये किलो है जी, 70 रुपये किलो है जी, और उसका कोई फ़ायदा हो नहीं रहा। हाँ जी, हिमफेड में तो ये मिल ही नहीं रही है। हमने कई जगह कोशिश की, यहाँ शहर के दूर दूर के इलाकों से भी हमने पता किया, लेकिन वहाँ भी अवेलेबल नहीं है, और जहाँ है भी तो वो लोग बहुत कम मात्रा में दे रहे हैं। मुकाबला कोई खाद नहीं कर सकते। हिमपैड वाले बोल रहे हैं कि आप उसकी जगह यूरिया यूज़ करो। यूरिया यूज़ करना मतलब अपनी खेती बाड़ी हमें बर्बाद करना, उससे प्रोडक्शन ख़त्म हो जाती है। एक साल होएगी, अगले साल को तो पूरी ज़मीन ही ख़त्म कर देता है वो यूरिया। तो ये हिमपैड वालों को चाहिए कि ये 16-32 जो खाद है उसको अवेलेबल करवाए। उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोटीन उसमें होता है। हम जो फसलें उगा रहे हैं अल्टीमेटली वो मार्केट में जा रही है। अगर यूरिया डाल के हम फसलें उगाएंगे तो आगे जाके उसका क्या होगा? सर, बच्चों ने सब्जियां खानी होती है, उसमें यूरिया जा रहा है, यूरिया कंटेंट सबसे ज़्यादा जा रहा है उससे। सर, कितनी इंपॉर्टेंट है 12-32-16 खाद? इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन कंटेंट सबसे ज़्यादा उसमें है। हम कोई भी सब्जी उगा रहे हैं उसमें प्रोटीन जा रहा है, तो प्रोटीन अल्टीमेटली हमारे घर तक ही पहुँच रहा है। अगर वो खाद ही नहीं अवेलेबल होगी तो फिर हम फसलें कैसे उगाएंगे? अगर सर 12-32-16 खाद फसलों में नहीं डालेंगे तो फसलों पर क्या असर पड़ेगा? फसलें ख़त्म हो रही है, कुछ भी नहीं उगा पा रहे हैं हम लोग। जो जहाँ जिस खेत में अगर मान लो 20 kg गोभी होती है, यूरिया डाल के उसमें 5 kg भी नहीं निकल रहा, तो फसलें तो बर्बाद ही हो रही है सारी। सब्जियाँ हम जो भी लगा रहे हैं, यूरिया तो हम डालेंगे नहीं। यूरिया डालेंगे तो हमारी फसलें और भी ज़्यादा बर्बाद होगी, मार्केट में जाएगी, मार्केट में भी फिर अल्टीमेटली हम लोगों के घर तक ही पहुंचनी हो, आम आदमी के घर तक पहुंचेगी। यूरिया जो है सबके घरों तक वो पहुंच रहा है, तो इससे ज़्यादा बेटर ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए, हिमफेड को चाहिए कि वो हमें जो खाद है उसको अवेलेबल करवाए। बिल्कुल शून्य हो चुके हैं, गवर्नमेंट को चाहिए, हिमफेड को चाहिए कि किसानों को इसको अवेलेबल करवाएँ। यूरिया नुकसान देता है ना जैसे फसलों को, 12-32-16 से नुकसान कोई नहीं है, पर पैदावार अच्छी होती है उससे, उसका होना तो ज़रूरी है।